वडोदरा शहर में बाइक सेवा रोमियोगिरी करता त्रण शख्सों ने पुलिस झड़प्या छे। पुलिस ने सी टीमे आ शख्सों 30 किलोमीटर सुधी पीछो कर्यो, त्यारबाद आ शख्स पुलिस ना हाथे चढ़्यो छे। आपने जणावी दईए कि थोड़ा दिवस पहला शहर में एक युवती रिक्षा में सवार थई पोताना घरे जई रही थी। आ दरमियान बाइक पर आवेला त्रण शख्सोए युवतीनो पीछो कर्यो। रिक्षा में जती युवती ने बाइक सवार युवकोए चेनचड़ा कर्या। आ दरमियान युवतीए बाइक सवार युवकों ने पुलिस स्टेशन जवा माटे कह्यु। 8 किलोमीटर सुधी युवतीनो बाइक सवार युवकोए पीछो कर्यो। समग्र घटनानो युवतीए वीडियो पण बनाव्यो। सोशियल मीडिया में युवतीनो वायरल वीडियो पण थता ज वडोदरा पुलिस एक्शन में आवी। पुलिस कमिश्नर आदेश बाद शहेरनी सी टीम नंबर प्लेटना आधारे युवकना घर सुधी पहोंची गई। आ दरमियान 30 किलोमीटर पुलिसे बाइक सवार युवकोनो पीछो कर्यो। पुलिस स्थिति में बाइक सवार त्रण रोमियो ने झड़प्या छे। युवतीए वडोदरा पुलिस अने सी टीम की कामगीरी ने बिरदावी छे। એ બેન કોઈ ફરિયાદ કરવા નતા માંગતા, પણ અમે એ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલા લીધા છે કે જેથી ફરીથી આવું પ્રકારનું કોઈ પણ કૃત્ય ન કરે, અને સાથે સાથે એનું બાઇક પણ ડિટેઇન કરવામાં આવેલું છે। અને આ સાથે હું તમામને મેસેજ પણ આપવા માંગીશ કે ક્યારેય પણ આવો કોઈ પણ બનાવ બને તો તાત્કાલિક વડોદરા શહેર સી ટીમનો સંપર્ક કરવો। અમારા હેલ્પલાઇન નંબર છે 7434888100, તો જેથી સી ટીમ તાત્કાલિક તમારી મદદ કરી શકે। मैंने क्या बोलते हैं गेंडा सर्कल से ऑटो लिया था मेरे घर जाने के लिए, और वहीं से मान के चलिए मैंने जुगनू किया था और पांड्या ब्रिज से उन तीनों ने फॉलो करा। अब फॉलो का तरीका ऐसा था कि वो बार बार ना इग्नोर, मतलब इरिटेट होता है ना, बार बार आ रहे। गर्ल्स में एक सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरीके से देख रहा है। तो शुरू के 2-3 किलोमीटर तो मैंने एक्चुअली इग्नोर किया, जैसे हमारी कंडीशनिंग की गई है इग्नोर करो, बोलो मत कुछ। पर उसके बाद मुझे एक्शन लेना इसलिए भी पड़ गया क्योंकि थोड़े ही किलोमीटर्स 2 से 2.5 किलोमीटर बाद मेरा घर आने वाला था, और मुझे ऐसा लगा अगर मैंने इनको नहीं रोका तो वो चीज़ ऐसी हो जाएगी कि मेरा घर का एड्रेस मिल जाएगा उन्हें, हो सकता है कि वो मुझे वहाँ परेशान करें या फिर हो सकता है वहाँ गेड़ियाँ मारें, जो चीज़ आजकल नॉर्मल है होते हैं। तो मैंने इसलिए वो एक्शन लिया, शाउट किया और वीडियो ऑन करके वीडियो बनाया। जी मैंने वीडियो बना के अपलोड किया और बहुत ही ज़्यादा उसके लिए लेकर मतलब काफ़ी सारे सबसे पहले कमिश्नर सर ने इस पर एक्शंस लिए, शी टीम ने लिया, और इतने जल्दी उसके खिलाफ एक्शन लिया। नेम प्लेट से ही उन लड़कों का पता लगा लिया वो कहाँ से थे तीनों, और उनको मेरा एक्चुअली 2 दिन से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ मेरे एग्ज़ाम्स थे और मैं बाहर भी थी, और जिस नंबर पर वो कॉल कर रहे थे उस नंबर वो मैं कॉल नहीं रिसीव करती हूँ। उस पर एक्चुअल नंबर मैंने वडोदरा सिटी पुलिस को दिया था इंस्टा पर, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। एंड मुझे जुनेद सर ने भी कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है मैम, तो मेरा स्टेटमेंट भी लिया उन्होंने, और मैंने सर केस इसलिए भी नहीं किया, केस नहीं करना था मुझे क्योंकि आई थिंक सो उनके लिए इतना काफ़ी था, एज उनकी काफ़ी छोटी थी, और अगर केस में कर देती तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ मैं डेवलप कर रही थी कि आप गुनहगार आप बन सकते हो।